नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है मृदा अपरदन, मृदा क्षरण या सॉइल इरोजन। मृदा क्षरण या मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। सबसे पहले मृदा क्षरण या मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा क्षरण या मृदा अपरदन का अर्थ होता है मृदा कणों का कटाव होना, अर्थात मृदा कणों का अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। सबसे पहले बात करते हैं मृदा कण। मुख्य रूप से मृदा कण होते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले। इन मृदा कणों का, जैसे ये कोई मृदा कणों का एक पिंड है या झुंड है या मृदा कणों का समूह है, इन मृदा कणों का अपने मूल स्थान से विचलित होना अर्थात अपने मूल स्थान से पृथक होना वो कहलाता है मृदा क्षरण या मृदा अपरदन। ये प्रक्रिया कुछ स्थान से या कुछ दूरी से होते हुए लाखों किलोमीटर हो सकती है, अर्थात मृदा कणों का अपने मूल स्थान से, चाहे वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी दूरी हो सकती है, अर्थात मृदा कणों का अपने मूल स्थान से पृथक होकर और दूसरी जगह पे या दूसरे स्थान पे पहुंचना वो प्रक्रिया कहलाती है मृदा क्षरण या मृदा अपरदन। अब मृदा क्षरण या मृदा अपरदन दो प्रकार का होता है, जो होता है प्राकृतिक क्षरण और दूसरा होता है कृत्रिम क्षरण। सबसे पहले बात करते हैं अपन मृदा क्षरण या मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है। इसके प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, प्रथम प्राकृतिक क्षरण या प्राकृतिक अपरदन, दूसरा त्वरित क्षरण त्वरित अपरदन। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक क्षरण या प्राकृतिक अपरदन क्या होता है। सबसे पहले कोई भी ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति से आच्छादित रहता है या होता है वहां पे एक क्रिया चलती है मृदा कटाव और दूसरी क्रिया चलती है मृदा का निर्माण होना। जब दोनों क्रियाएं अर्थात मृदा का कटाव और मृदा का निर्माण दोनों क्रियाएं समान रूप से होती है तो उस प्रकार के क्षरण को या अपरदन को कहा जाता है मृदा प्राकृतिक क्षरण। अर्थात ये प्राकृतिक क्षरण कहाँ पे होता है, जहां पे जो चक्र वनस्पति से आच्छादित होता है वहां पे होता है प्राकृतिक क्षरण। इस क्षरण में क्या होता है मृदा का कटाव और मृदा का निर्माण दोनों क्रियाएं इक्वल होती है, बराबर होती है, इस कारण इस प्रकार के क्षरण को कम हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के क्षरण में जितना मृदा का कटाव होता है अर्थात मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते उतनी ही प्रक्रिया में या उसी मात्रा में या उसी दर पे मृदा का निर्माण वापस उन्हें से दोबारा हो जाता है। इस कारण ये प्राकृतिक जो क्षरण होता है उसको कम हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा जो उपजाऊ भूमि है उसका कम कटाव हो पाता है। यदि अपन दूसरे प्रकार की बात करें जो कि है त्वरित क्षरण, ये क्षरण कहां पे होता है वनस्पति विहीन क्षेत्रों में, वनस्पति विहीन क्षेत्रों में। इस जो प्रकार
अठारह शरण है, इस शरण में मर्दा का कटाव, मर्दा कटाव की जो प्रक्रिया होती है वो होती है मर्दा निर्माण से ज्यादा, अर्थात जितने मर्दा का निर्माण होता है उससे अधिक मात्रा में मर्दा का कटाव होता है, मर्दा के जो कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं, अतः ये जो क्षरण होता है वो होता है हानिकारक, क्योंकि इस प्रकार के क्षरण के द्वारा मर्दा की जो उपजाऊ मर्दा होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है, इसलिए इस क्षरण को हानिकारक क्षरण माना जाता है। इसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्रकार का क्षरण आंखों से नहीं दिखाई दे पाता है, तो उसका आंसर होता है प्राकृतिक क्षरण, क्योंकि प्राकृतिक क्षरण में जितना मर्दा का कटाव हो पाता है उतनी ही मर्दा का निर्माण वापिस दोबारा हो जाता है, इस कारण इस प्रकार का क्षरण आंखों से दिखाई नहीं दे पाता है। ये तो हो गए मर्दा क्षरण के कौन कौन से प्रकार, इसके बाद में अपन बात करते हैं मर्दा जो क्षरण है उसके कौन कौन से कारक है। तो मर्दा क्षरण के दो कारक है, एक है पानी जल और दूसरा है वायु, अतः यहां से मर्दा क्षरण दो प्रकार का हो जाता है, मर्दा क्षरण के कारक फैक्टर, दो प्रकार के कारक, एक है जल और दूसरा है वायु। सबसे पहले बात करते हैं अपन जल, जल क्षरण, वाटर इरोजन। सबसे पहले इसको परिभाषित करना चाहिए, तो जल क्षरण या वाटर इरोजन क्या होता है, जल के द्वारा पानी के द्वारा मर्दा कणों का अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना, वो प्रक्रिया कहलाती है मर्दा क्षरण या जल क्षरण। यदि ये क्रिया वायु के द्वारा हो रही है, अर्थात मर्दा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच रहे हैं, तो वो क्रिया कहलाएगी वायु क्षरण। सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं जल क्षरण, ये जल क्षरण होता है ये किस प्रकार से होता है या कौन कौन सी अवस्थाओं के द्वारा होता है, उनकी बात करते हैं। तो जल क्षरण की जो अवस्थाएं है वो निम्न प्रकार से, जैसे सबसे पहले है बोचार क्षरण, बोचार क्षरण ये जल क्षरण की प्रथम अवस्था है, दूसरी है परत क्षरण, परत क्षरण, तीसरी अवस्था है नालिका क्षरण, नालिका क्षरण या नालिका पटल, चौथी अवस्था है अवनालिका, अवनालिका क्षरण। बोचार क्षरण को कहा जाता है स्प्लस इरोजन, परत क्षरण को सी इरोजन, थर्ड अवस्था है री इरोजन, फोर्थ अवस्था है गली इरोजन। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि जो जल क्षरण की अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो जल क्षरण की चार अवस्थाएं हैं, प्रथम बोचार क्षरण, सेकेंड परत क्षरण, थर्ड नालिका क्षरण और फोर्थ है अवनालिका क्षरण, स्प्लश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन। इनमें जैसे जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था कौन से प्रकार के कारक से या कौन से प्रकार के क्षरण से संबंधित है, जैसे कोई जो चार ऑप्शन होते हैं उन्हें चार अवस्थाओं के नाम दिए होंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि निम्न में से जल क्षरण की अवस्था है या नहीं, अतः अपने को सबसे पहले इसी सीक्वेंस में एक तो अपने को ये अवस्थाएं ध्यान में रखनी है कि प्रथम अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, थर्ड अवस्था कौन सी है और फोर्थ अवस्था
कौन सी है। तो इसलिए अपने को इसी सीक्वेंस में तो इनका ध्यान रखना है। जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं बोचार्स कि बोचार्स क्या होता है। जैसे ये कोई भी अपना एक खेत है या फील्ड है, अपना कोई भी रीजन है, तो इसमें जो मादा कण रहते हैं, सबसे पहले जब हल्की बारिश होती है, जब बूंदाबांदी होती है, तब ये जो वर्षा की बूंदे होती है ये मादा कण से टकराती है, और मादा कण से टकराने के कारण ये मादा कण अपने मूल स्थान से थोड़े से विचलित हो जाते हैं। तो उस प्रकार की क्रिया को कहा जाता है बोचार्सन या स्प्लश इरोजन। ये जलसरण की प्रथम अवस्था है। इसके बाद में आती है सेकेंड अवस्था परत क्षय। ये अपना कोई भी एक फील्ड है, खेत है, इसमें ये मादा कण बिखरे हुए हैं। जब वर्षा होती है तब बोचार क्षण से जब थोड़ी सी ज्यादा वर्षा होती है तब पानी के कारण जो मादा कण होते हैं वो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं और एक खेत से समान परत के रूप में बहते हुए खेत से बाहर निकल जाते हैं। इस कारण इस प्रकार की अवस्था को कहा जाता है परत क्षरण या शीट इरोजन। इस अवस्था की मुख्य विशेषता है कि जो इसमें भूमि या मृदा का जो कटाव होता है वो मृदा होती है उपजाऊ मृदा। इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा का कटाव होता है तो वो होता है परत अवस्था से या परत क्षरण से, शीट इरोजन से। तीसरी अवस्था आती है नालिका क्षरण या रिल इरोजन। जब अपना के कुछ ढलानदार होता है और उसमें वनस्पति की मात्रा कम होती है तो इस दौरान जो वर्षा का पानी होता है वो धीरे धीरे खेत से बहते हुए वो बाहर निकलने लगता है। ढलान होने के कारण इस पानी का जो बहने की गति होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस कारण इस खेत में छोटी छोटी गहरी नालियों का निर्माण हो जाता है। इस कारण इसको कहा जाता है नालिका क्षरण या रिल इरोजन। लेकिन जो ये नालियों का निर्माण होता है ये नालियां जब अपन जुताई का कार्य करते हैं या खेत की तैयारी करते हैं, कुछ कृषि क्रियाएं करते हैं, उनके दौरान ये जो नालियां होती है उन्हें वापस ठीक हो जाती है। चौथी अवस्था आती है अवनालिका क्षरण या गली इरोजन। ये अवस्था है जो है रिल क्षरण की एडवांस स्टेज। अर्थात अपना ये खेत है इसमें वही ढलानदार जब यानी कि अपना नालिका क्षरण होता है उसी क्षेत्र में या उसी खेत में अत्यधिक ढलान होता है तब पानी के बहने की गति और तेज हो जाती है जिसके कारण अत्यधिक गहरी नालियों का या खाइयों का निर्माण हो जाता है जो कि कृषि कार्य करने से भी वापिस ठीक नहीं हो पाती है। इस कारण इस अवस्था में जो खेत की भौतिक अवस्था होती है वो खराब हो जाती है, भौतिक अवस्था खराब हो जाती है जिसके कारण ऐसा खेत या ऐसा क्षेत्र खेती के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। इस कारण सबसे हानिकारक अवस्था किसको माना जाता है जलसरण की, वो है अवनालिका क्षरण या गली इरोजन। वापस अपन इसको रिपीट कर लेते हैं। जलसरण की कौन कौन सी अवस्थाएं, चार अवस्थाएं बोचार क्षरण, परत क्षरण, नालिका क्षरण और अवनालिका क्षरण, स्प्लश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन। सबसे पहले बात करें बोचार क्षरण की। जब अपना कोई भी खेत होता है प्रारंभिक अवस्था में जब वर्षा होती है तब वर्षा की बूंदे मृदा कणों से या मृदा के जो समूह होता है पिंड होता है उसे टकराती है जिसके कारण मृदा के कण अपने मूल स्थान से दूर हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं तो उस अवस्था को कहा जाता है बोचार क्षरण या स्प्लश इरोजन। दूसरी अवस्था की बात करते हैं परत क्षरण। जब अपने वनस्पति कम हो जाती है तब, और दूसरी बात है जब वर्षा थोड़ी सी तेज होने लगती है
तेज होने के कारण पानी के बहने की गति अधिक हो जाती है, जो क्या करती है मादा कणों को अपने साथ बोलते हुए और एक समान परत के रूप में खेत से बाहर निकाल देती है। इस कारण इस प्रकार की अवस्था में सबसे ज्यादा कटाव होता है उपजाऊ मादा का, इसलिए इसको कहा जाता है परत क्षरण। अर्थात इस अवस्था में जो मादा का कटाव होता है वो एक समान परत के रूप में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है परत क्षरण या सीड एरोजन। तीसरी अवस्था की है नाजिका क्षरण या हिल एरोजन। जब अपना खेत वनस्पति से कम आच्छादित होता है या उसमें हल्का ढलान होता है, तब वर्षा होने के कारण उसमें पानी के बहने की गति थोड़ी सी तेज हो जाती है। इस कारण जब खेत से पानी बहता है तब उसमें हल्की हल्की गहरी नालियों का निर्माण हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के क्षरण को कहा जाता है नालिका क्षरण या हिल एरोजन। लेकिन जो ये नालियां होती है ये कृषि कार्य करने से वापिस ठीक हो जाती है। चौथी अंतिम अवस्था है अवनालिका क्षरण या गली एरोजन। जब ढलान अत्यधिक होता है और वनस्पति कम हो तब पानी के बहने की गति और तेज हो जाती है। इस कारण तेज गति से पानी बहने के कारण खेत में गहरी गहरी नालियों का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण कृषि कार्य करना कठिनाई से हो जाता है और जो खेत की भौतिक अवस्था होती है वो खराब हो जाती है। इसलिए जल क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था मानी जाती है अवनालिका क्षरण या गली एरोजन। इसमें से जो अपने न्यू टाइम में JICR BHU इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, एक तो निम्न में से कौन सी एडवांस स्टेज है, जैसे बोचार क्षरण की एडवांस अवस्था या एडवांस स्टेज कौन सी रहेगी, परत क्षरण सीड इरोजन। सीड इरोजन की एडवांस स्टेज कौन सी रहेगी, हिल इरोजन। हिल इरोजन की एडवांस स्टेज कौन सी रहेगी, गली इरोजन। या इन्हीं को अपन अपोजिट बोले, सीड इरोजन किसकी एडवांस स्टेज है, यदि पूछा जाए कि सीड इरोजन परत क्षरण किसकी एडवांस स्टेज है, तो एडवांस स्टेज किसकी रहेगी, बोचार क्षरण, क्योंकि बोचार क्षरण के बाद में आती है। यदि पूछा जाए कि नालिका क्षरण या हिल इरोजन कौन सी एडवांस स्टेज है, तो किसकी रहेगी वो परत क्षरण की। यदि इसी को उल्टा पूछा जाए कि परत क्षरण की एडवांस स्टेज कौन सी है, तो परत क्षरण या सीड इरोजन की एडवांस स्टेज तो कौन सी रहेगी, अपने हिल इरोजन। यदि इसी को उल्टा पूछा जाए कि हिल इरोजन की एक जो हिल इरोजन है वो किसकी एडवांस स्टेज है, तो आंसर हो जाएगा सीड इरोजन। और पूछा जाए कि सीड इरोजन की एडवांस स्टेज कौन सी है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, हिल इरोजन। इसलिए अपने को इनको इन्हीं सीक्वेंस में ध्यान में रखना है कि पहला कौन सी भोजासन, दूसरी अवस्था परत क्षरण, तीसरी नालिका क्षरण और चौथी अवनालिका क्षरण। ये है अपने जल क्षरण। जल क्षरण क्या होता है, जल के द्वारा मादा कणों का अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना, या जल के द्वारा मादा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना, या जल के द्वारा मादा कणों का परिवहन होना, वो कहलाता है जल क्षरण। ये अपने जल क्षरण।